रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर लगी पाबंदी के बाद प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे प्रॉम्प्ट कोऑपरेटिव एक्शन यानी पीसीए फ्रेमवर्क में डाल दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी विलास बैंक ना तो नए कर्ज दे सकता है और ना ही नई ब्रांच खोल सकता है। आपको बता दें कि आरबीआई किसी बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क में तब डालता है जब लगता है कि बैंक को आय नहीं हो रही है या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए बढ़ रहा है। बैंकों की स्थिति खराब होने के कारण अब आरबीआई उन पर एक्शन लेने को मजबूर हो रही है। अब आप इस बैंक से ना तो लोन ले सकते हैं और ना ही कोई किसी सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। जनता का पैसा बैंकों में दांव पर लगा है। आरबीआई के इस फैसले का असर लक्ष्मी विलास बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के मर्ज होने पर पड़ने की आशंका है। आपको बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की कई सेवाओं पर अगले 6 महीने तक के लिए पाबंदी लगा दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लक्ष्मी विलास बैंक पर कथित फर्जीवाड़े का आरोप है। यह आरोप रैलीगियर फिनवेंटन लिमिटेड ने लगाया है। आरोप के मुताबिक बैंक ने आरएफएल के 790 करोड़ रुपए के एफडी में हेराफेरी की है। इस बीच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा बैंक के बोर्ड में शामिल निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोपों की जांच कर रही है। आरबीआई का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब करीब 93 साल पुराने लक्ष्मी विलास बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बीच मर्ज की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फंड के हेराफेरी मामले में कोर्ट के चक्कर लगा रही है। वैसे तो साल 1926 में लक्ष्मी विलास बैंक वजूद में आया। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1958 में लाइसेंस मिला। वहीं साल 1974 से बैंक के ब्रांच का विस्तार शुरू हुआ। लक्ष्मी विलास बैंक के ब्रांच और फाइनेंशियल सेंटर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के अलावा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में भी मौजूद हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पेट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पेट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पेट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पेट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।